Assalamualaikum, मैं हूँ आपकी होस्ट मीना मलिक एंड आई वेलकम यू टू मस्तियाँ। लोगों का भी ना कोई एक बयान नहीं होता। अगर पुलिस मौका वारदात पर देर से पहुंचे तो कहते हैं कि पुलिस सो रही थी, और अगर पुलिस नाके लगा के चेकिंग कर रही हो तो कहते हैं कि पुलिस दिहाड़ी लगा रही है। वैसे हमारे भी ना अजीब से पैरामीटर्स हैं, क्योंकि हम ईमानदार पुलिस अफसर को नहीं बल्कि वाकिफकार पुलिस अफसर को पसंद करते हैं। और अगर इलाके में ईमानदार थानेदार आ जाए जो मेरिट पर कार्रवाई करता हो तो लोग उससे खुद ही तंग हो जाते हैं। वैसे हिम्मत है पुलिस वालों की, कैसे कैसे लोगों से उनका वास्ता रहता है। आइए इसका एक मंजर आपको दिखाते हैं। वीना जी, तुसी इस कौम नु राजी नहीं कर सकते। क्यों राजी नहीं कर सकते? तुसी जिन्ना कर लो आवाम दा भला मनदे ही नहीं इस गल नु। इंट्रो दिता है ये माशाल्लाह साडे खिलाफ ही दिता ना सारा। नहीं नहीं, आपके हक में। हक में कितो जी, विच ओवी तक पुलिस सुती हुंदी है। नहीं, उन्होंने ये भी तो कहा ना कि हमारे अपने। ओ भाई मेरे, मेरी गल सुन, असी जे ड्यूटी कर रहे हैं ना। हां जी, पूरे पाकिस्तान में कोई ऐसा इदारा नहीं जो साढ़े जिनी ड्यूटी कर रहा है। नहीं बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं भी ना। पहली जो डिफेंस लाइन है वो यही है। आपका जितना अच्छा मैंने इंट्रो दिया ना, कभी किसी ने आपकी इतनी तारीफ नहीं की। नाल देसी घ्यो दिता 1.5 किलो, इन्होंने डेढ़ मन आटा दिता चक्की का। ये बात करने के बाद क्या हरकत करते? ये नूडल खांदे ने। असल ते ना इन्हें एक बीमारी है। कौन सी? एक जगह से छापा मारिया, उते पुलिस मुकाबला हो गया। ए मशरूम मेरे नाल सी। हाँ जी, सानू इतला मिली कि एक जगह से बड़ा गुलू पहाड़ा हो रहा है, पार्टी हो रही है, किसी ने थाने कॉल की। मैं अपनी नफरी लैके उते पहुंचा, बहुत उच्चा डेक लगा सी, गाना चल रहा सी झांझर दी पावां छणकार। अच्छा, हल्का हल्का सी, तिन्हां ने उते बाहर खलो के कीता भी। उस वक्त मैं मशरूम नूं कहा कि कंध टप के अंदर छाल मार दे। अच्छा, इन्हें अंदर छाल मारी है। वो घर सी खाजा सरावां दा, अंदर खाजा सरा दी सालगिरह। मैंने अंदरों सिर्फ अशरफ की चीखां दी आवाज़ आईयां ने। अच्छा, मैं पिछों के दौड़ के दरवाजे नूं टक्कर मारी, वो लोहे दा सी, मैं बेहोश हो गया। तो आपने क्यों नहीं हेल्प की? नहीं जी, मैं हेल्प की थी, मैं नस के कोल इन्हां दे आया, बेहोश पया सी। बस 10 मिनट बाद वीना जी मैंने होश आया। अच्छा, खुद ही होश आई आपको? हाँ जी, होश आया, मैं टीरा टैप हो गया सी, अखा उखा मेरे फिर गया, टक्कर मैं बड़े जोश मार बैठा सी। हाँ जी, उस बाद जिस दरवाजा खकाया इन्हें फायर कड़िया, फिर दूसरे इलाके की पुलिस आ गई, उन्होंने सानू गिरफ्तार कर लिया। वारंट नहीं थे आपके पास? उन्हें समझाया कि खबरें दो नंबर पुलिस वाले ने। मैं जिले अपना कार्ड बखाया ना, दरवाजा खोलिया, दो खुसरे अशरफ के मुंह से गोडा रख के बैठे। बस उस बाद मैं अशरफ पूछा कि होया की है, इन्हें मैंने दस्या थे यह बीमारी इन्हें उदों लग चुकी। ये पुलिस वाले कहाँ से सेलेक्ट करके भर्ती किया आपने? ये पता की गल है, ये अमला मेरे नाल ही होंदा है। अच्छा। पिछले थाने तो मैं नाल ही ले आंदा है। ओ अच्छा। हाँ, क्योंकि ये पुलिस वाले भी ने नाल हल्कियां फुल्कियां एटमां भी करते ने। अशरफ साहब नु मेरे नाल 5 साल हो गए ने। पार्ट टाइम कोई और बिजनेस भी करते हैं ये? हाँ जी, ढाड़ी ने गांधी। अच्छा ने रौनक शौनक लाई रखते मेरे नाल। आहा। ते ए जमान साहब, जदों किसी थाने मेरी ट्रांसफर हुई ना, ये दो बंदे मैं नाल लैके आंदे ने। क्यों? ये मैनू समझदे ने, मेरी तबीयत नु समझदे ने। मुझे लगता है कि ये इनके सांभू है बेसिकली। क्या है? सांभू कहते हैं इनको, आप समझ गए ना। सांभू होर होंदे ने, ये वो बंदे होंदे ने जिहड़े SHO दी तबीयत नु समझदे होंदे ने। सांभू होता क्या है? सांभू है बस, उन्होंने गल कर दी थी, पता उन्हें भी कोई नहीं। अच्छा, सांभू मैं आपको बताता हूँ कौन होता है, कि जो ऊपर का माल होता है ना वो संभालने वाले। अस्तग़फ़िरुल्लाह, या अल्लाह माफ करे। और ये मोहतरमा इख्तिजा है, ये तू खतीजा दी वर्दी क्यों पाई हुई है? ओ सॉरी सर, मेरा यूनिफॉर्म लॉन्ड्री से भी आया नहीं। इतने रख दे नो। जी जी सर। इतना है सौबिया। अच्छा जी। और बड़ी इंटेलिजेंट ऑफिसर हैगी, तेनु इस थाने दे विच कोई टेंशन तो नहीं? नहीं नहीं सर, आपके होते हुए मुझे क्या टेंशन हो सकती है। बल्कि एक मुजरम ना इहदा दिल लग गया सी, मैं समझाया, मैं कहा साडी ड्यूटी नहीं, और इहदे हुंदे आ सानू भी कोई टेंशन नहीं। नहीं है ना, ए हवाई मक्खियां फड़नियां छड़ दे तू। क्या जुर्म किया है? उठ ओए गड़ा ओए। ये गड्डियां जो पेट्रोल कट के उहदा नशा करदा है जी। हाँ जी, ये अज बड़े जालम नशे निकले हुए ने, ये गड्डिया टायर भी चटदा जी, ये भी एक नशा नवा निकलिया। नहीं तो मतलब छोटा सा मुजरिम पकड़ा है ना? छोटा मुजरिम मैं, बच्चियां दी सलांटियां खो लेंदा जे, ये कोई आम मुजरिम है? कभी कोई बड़ा मुजरिम भी पकड़ा है आपने आज तक? पता की है, इस इलाके जिस दिन मैं आया ना, जराइम खत्म हो गया। क्या वजह? आपके डर से जुर्म खत्म हो गए? मुजरिमों को पता लग गया जिब्रान साहब आ गए। अच्छा जिब्रान साहब, एक बात बताऊं आपको, जिस तरह आप ये कह रहे हैं ना कि यहाँ पे जीरो क्राइम हो गया, जीरो क्राइम पे भी ना ऑफिसर्स को शक पड़ना शुरू हो जाता है। तुहाड़ी गल ठीक है कि एक महीने दे कम से कम 30-35 पर्चे देने पैंदे ने। वही तो मैं कह रहा हूँ कि इस तरह कैसे हो सकता है। लेकिन इस गल पर बड़े अफसर पता है कि मैं ना रिश्वत लेंदा है। नहीं लेकिन मुझे हैरानगी इस बात की है कि अभी जैसे हालात चल रहे हैं, अभी तो क्राइम रेट्स में इजाफा हो गया है, आपके इलाके में कम कैसे हो गए? अच्छा मैं कोई सपाही नहीं कि थोड़ी हर गल का जवाब दे।
अच्छा इसका मतलब है कि आप सारा दिन वेले बैठे रहते हैं, काम धंधा कोई नहीं आपके पास। वीना जी तुम यकीन जानो मैं अपने इलाके नु न्यूजीलैंड बना देंगे। ओए होए वाह 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 वाह, आप ऐसे चो हैं, कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं बन गए आप। हम शायद इस गल का पता नहीं, उसे जीरो क्राइम है न्यूजीलैंड। अच्छा उस हिसाब से आप कह रहे हैं, तो क्या करेंगे आपके क्राइम कम हो जाएंगे? लम्बे बूट पा के पानी च वड़नगे भी। जुर्म नहीं हो रहा, मुजरिम आ गया आपका। ओ सर कोई माड़ा मोटा तो होता ही है जरायम। हाँ भाई हाँ सब, हथकड़ी ला के क्यों नहीं आए? हथकड़ी लाके गया, छोटी जी पूरी नहीं आई। जुर्म की किया इन्हें? सर मेरे से इल्जाम लाया। की मसला की खा साहब? दस चूहे दे मोड़े आ। सर जी ऐ वेखो की जुल्म कर रहा है बंदा गरीबा नाल। की होया? ऐ वेखो की है, सालन दे गया रोटी नहीं देते? नहीं सालन नहीं दे गया सर, इंदे कोलो 3 किलो मटन लिया है। तू मटन करना की हुंदा है? अन्नी दे बच्चा तेरी सेहत है मटन खाने वाली? तू चुप करके सब्जियां खा, दालां खा। तू मटन लिया क्यों है? की होया की है? सर मटन कुन्नी दे विच पाया है, रंग बदल के किसी जानवर दा गोश्त इन्हें दे दिता है, हराम जानवर दा। सर झूठ बोल रहे हैं। सर चाखते वेखो तुसी। ये आपने बहुत अच्छा काम किया है, hats off to you। मुर्दा जानवरों का गोश्त बेचते हैं, आलाइशे बेचते हैं। पिछले दिनों लाहौर में 3 साल पुराना गोश्त पकड़ा, हजारों टन गोश्त था। मेरा ख्याल है जो सऊदी अरब और दीगर ममालिक के वहाँ से जो खैराती गोश्त आता है, ये लोग वो भी बेच देते हैं। वो सी नहीं बेच देंगे भाई, की हो गया? चुप कर जा, चुप कर जा। सर जी दे तो पर्चा दो जालिम। अच्छा अच्छा, हेलो। हाँ जी हाँ जी, है किथे? कौन कहना बंदा गुड्डिया दुकान खोल के बैठा है? अन्नी दे बचे मैं हो जाना मुअत्तल, उतू आ डरेगा? पतंगबाजी होनी नहीं चाहिए खान साहब। यस सर। आ जाओ, नाल नाल मल्ला नहीं गा। हाँ जी हाँ जी, 333 गली। हाँ हाँ, और उतो बंदन फट के ले आओ। ओके सर, जल्दी जाओ, जल्दी जा, ते मिनट ला नहीं। सर सर मेरे बंदे तो कुछ करो, इन अंदर। चुप कर जा, ठहर जा, अंदर जा। किन है जगह? ये जो जेल चुप के इधर ड्रॉप, कौन जिम्मेदार है? सर मेरा कसूर, इधर कल्ले का गोश्त खराब निकले और किसी का खराब नहीं निकले। अच्छा जिनी तेरे गोश्त बो है ना, वो मेरे ख्याल तेन इतनी आदत पी है। इधर मेरा पुत्र, गल सुन जी। सांप ला रहे ने, चल हुण अंदर। तू उधर चल, उधर चल, इधर आ। देख मेरी गल सुन जी सर, तुम पता है कि वो गोश्त मैं भी खा बैठा एक बार। तबीयत खराब नहीं हुई आपकी? मैं एडा मजा आया मैं दस ही नहीं सकता। तबीयत खराब होनी सी और की? अगू तबीयत खराब नहीं तुम्हें? और बेटे उत्ते जाके अल्लाह की जवाब दोगे? ताजा जानवर लेके आओ, ताजा गोश्त बेचो, बिल्कुल दुआ मिलनगियां। असी दुआ, तेरी बीमारी भी ठीक हो जाएगी। ऐ भी सर जी, हांडी च पांदे स्मेल शुरू हो गई। मैंने तो हूं याद आया, वो तुम्हारी हांडी धोती हुई सी ਇਹਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਰੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਪਾਤੀ ਹੋਵੇ। ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੇਰਾ ਗੋਸ਼ਤ ਠੀਕ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਗੋਸ਼ਤ ਠੀਕ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਤੇ ਔਨ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਕਰ ਦੋ ਬਈ, ਤੇਰਾ ਗੋਸ਼ਤ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ, ਖਾ ਇਹਨੂੰ। ਹਾਂ ਵਾਹ ਵਾਹ ਸੇ ਤੂੰ, ਹਾਂ ਖਾ। ਅਬ ਵਾਕਈ ਅਬ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਔਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਮੈਂ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਹਾਂ। ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਤੇ ਇੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। माफ कर दो, सही दस मैं पाओ लो मैं। सर मैं दसना, सर मैं दसना, सर मैं दसना, सर एक खोते का गु मेरा दब्बा खा गया से। उन्हों दा प्यो कर बैठ जो कर रहा है, इहदा कौन जिम्मेदार है कि इहदे वाल साहब जो कंध दे नाल ऐ करके रगड़ रहा होना? कौन जिम्मेदार है? माफी है सर, आइंदा नहीं होएगा। आइंदा करेगा सर, अल्लाह दी कसम है। जिंदगी दे विच सर बिल्कुल नहीं होएगा सर। पड़ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਰ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਦੇ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਖਵਾ ਤਾ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਢੋਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਢੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਖਾ ਵੀ ਲਈ। ਜਾ ਦੇਖੋ, ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਐਂਕਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਵੇਚੇਗਾ। ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗੋਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਵੇਚਾਂਗਾ ਜੀ। ਓਕੇ ਹਾਂਜੀ, ਓਕੇ। ਕਿਆ ਓਕੇ? ਇਸਕੋ ਜੇਲ੍ਹ ਮੇਂ ਨਹੀਂ ਡਾਲੇਂਗੇ ਆਪ? ਇਤਨਾ ਬੜਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹੈ ਇਹ। ਦੇਖੋ ਇਹ SHO ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਬਾਤ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਗਿਆ, ਇਸ ਵੱਡੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਚੱਲ ਵੱਜ ਜਾ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਵੱਜ ਜਾ, ਛੱਡ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ। ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਸਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਪੁੱਤਰ ਜਲਦੀ ਜਾ, ਤੂੰ ਘਰ, ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਗੋਸ਼ ਖਾਧਾ, ਕਿਤੇ ਭੱਜ ਨਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਫੋਨ ਕਰੋ ਖਾਨ ਨੂੰ, ਉਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਜਨਾਬ। ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਮੁਜਰਮੋ ਕੋ ਯਹਾਂ ਲਾਨੇ ਕਾ? ਸਭ ਕੋ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਆਪਨੇ। ਹਲੋ, ਵੱਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਜਰਮ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਆ। ਫੜ ਲਿਆ ਜਨਾਬ, ਆ ਰਿਹਾ ਰਸਤੇ ਜੀ ਹੈ।
मैं टच नहीं करना, मुझे टच नहीं करना। मैं बता रहा हूँ कि मुझे मैन हैंडलिंग से सख्त नफरत है और टच सिस्टम से भी नफरत है। मैंने क्या दुकानदार को फड़ गया, तू साबरी पे इंजन कराने फड़ा है। और सर जी ने उर्दू में मेरा वो हाल कहता ना, टच नहीं करना। आओ लमियान को, तुसी लमियान मेरी बात सुन लीजिए पहले। देखिए नहीं दिया बेटे, आप जानते नहीं हो, आप जानते नहीं हो, आप किसके साथ ये टच सिस्टम कर रहे हैं, आप जानते नहीं। अंदर पाओ, अंदर पाओ, चलो। सदर हूँ, सदर। क्या सदर? सदर। अंदर अंदर तैयार हो जाइए। आप घंटी पे घंटी बजेगी, अब पता चलेगा थाना हिल के रहेगा। अंदर अंदर, अंदर। थाना हिल के रहेगा। बाहर। किस चीज के सदर हैं आप? काइट एसोसिएशन। अच्छा अच्छा, मेरी गल सुन। तेन पता है कि गवर्नमेंट का की ऑर्डर है? पतंगबाजी नहीं होनी। भैया मैं पतंग पाकिस्तान में भेजता ही नहीं, मैं तो चाइना में पतंगे भेजता हूँ। वैसे पतंगबाजी शुरू भी चाइना से ही हुई थी। जी जी। अपना नाम दस। बबन मिर्जा। जमान? हाँ जी। इनवार ले गया। चल इधर आ। बाहर आ रहे जमान मिर्जा। इतनी पहचान है आपको मुजरिम की ना? चौड़ा इंजन में मेले तो पहली कवाली तू गई थी, ये देख लो। नाम दस अपना। बबन मिर्जा। बबन मिर्जा। वल दबन मिर्जा। एड्रेस दस अपना। पता लिख लीजिए, अंदरून दहली गेट। उर्दू तो मिर्जा गालिब वाली बोल रहे हैं। अंदरून दिल्ली गेट। सर मैं लगता है हलीमा ले ना दोस्ती। अच्छा दिल्ली गेट। किसी से भी आके पूछे। किसी से भी आके पूछे। एसएचओ साहब, आर यू सीरियस? वो जो लिखवा रहे हैं आप लिख रहे हैं? देखो विनय जी, पता की गल है, अगर तुसी पर्चे दे विच कोई मिस्टेक छड़ती, यह जो लोग वकील करके एसएचओ नु इन्ने अदालतों में चक्कर लाने, तुसी सोच नहीं सकते। वकील तो वो करेगा जिसका वकील है नहीं है। मेरे तो बड़े भाई जो है। अच्छा तो खालना दे घर नहीं आया, नहीं दिया बच्चा। फड़ो तुसी जवाब दियो। अच्छा अच्छा फ्री हो गए हैं। चलो मेरे बड़े भाई वकील है। वो वकील होगा तो जुर्म करेंगे आप? नहीं नहीं, ये दे ले पर्चा, अपनी मर्जी की एफआईआर काट ले। मेरे भाई जो है ना बड़े वकील है। वकील? वकील उठे बैठाओ। चलो उधर जाओ बैठो। उधर ऐसा सस्ता गेटअप करके फिर क्वालिटी जो वारी आती आ जाती है। इस एफआईआर का फैसला अब जज साहब ही करेंगे। जज साहब? अच्छा जिन्नी एफआईआर होंगी ना जज साहब भी फैसला करेंगे। अंदर वाले बंद करो, बाहर भुले कवाल कान के कवाली दसने वाले है। कोल खलो। अच्छा ये जो छोटा मोटा मुजरिम है इसको तो निकाले, कितनी सजा दी आपने? मेरी गल सुनो, इन मैं कुछ सजा नहीं दी, रौनक वास्ते अंदर बनया मैं। किया तो उसने कुछ भी नहीं, रौनक कैसी लगा यार? समझा करो, बाहर जाएगा फिर नशा करेगा, दसिया है तुम्हें? हाँ ये भी है, नशे की वजह अंदर रखे है। अच्छा तो जिब्रान साहब, इनकी काउंसलिंग क्यों नहीं कर रहे आप, ये जो पतंग फरोश है? नहीं नहीं नहीं, ये मुड़ते नहीं है। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਕਿੰਨੇ ਪਰਚੇ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਮੁੜਦੇ ਨੇ? ਵੈਸੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ, ਪਤੰਗਬਾਜ਼ੀ ਹਮਾਰਾ ਕਿਤਨਾ ਬੜਾ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੁਆ ਕਰਤਾ ਥਾ ਵਾਂਸ ਅਪਨ ਅ ਟਾਈਮ, ਕਿਤਨਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰਤੇ ਥੇ, ਕਿਤਨਾ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਹੋਤਾ। ਬਹਾਰ ਆਤੀ ਹੈ ਉਸਕੀ ਆਮਦ ਤੋ ਯੇ ਪਤੰਗਬਾਜ਼ੀ ਹੋਤੀ ਥੀ, ਬਸੰਤੇ ਮਨਾਈ ਜਾਤੀ ਥੀ, ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਹੋਤਾ ਥਾ, ਗੀਤ ਗਾਏ ਜਾਤੇ ਥੇ, ਬਾਰਬੀਕਿਊ ਹੁਆ ਕਰਤਾ ਥਾ। ਯੈਸ ਯੂ ਆਰ ਰਾਈਟ। ਔਰ ਇਸਕੋ ਖਰਾਬ ਕਿਸਨੇ ਕੀਆ? ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਪੇ ਆਪਕੋ ਕੈਮੀਕਲ ਵਾਲੀ ਡੋਰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਨਾ, ਤੋ ਮੈਂ ਇਸਕੇ ਸਾਥ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਕਰ ਲੂੰਗਾ। शुरू शुरू में तो कानून नाफिज करने वाले इदारों और हुकूमत ने बड़ा फैसिलिटेट किया था कि आप सेफ रह के बसंत मनाएं, लेकिन हमारी आदत है ना अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ी मारते हैं। नहीं मुर्दे बिना जी, इस काम तो मुर्दे ही नहीं गए। सही कह रहे हैं आप, बहुत हादसे हुए ने इस मामले चे। जी बहुत हादसे हुए हैं, बहुत लोगों की जाने गई है, बहुत अमवात हुई है, फिर जाके हुकूमत ने बैन किया। उसके बाद सबसे बड़ा जो नुकसान है ना कि हमारे जो ट्रांसफार्मर्स हैं उनमें अगर ये डोर फंस जाती है ना तो वो शॉर्ट सर्किटिंग का भी बायस बन जाती है। और गवर्नमेंट ने जिसकी आप बात कर रहे हैं कि उन्होंने कहा था तकरीबन आज से 15 साल पहले कि मोटर बाइक्स, क्योंकि मोटर बाइक्स वाले जो हैं वो ज्यादातर इस चीज का शिकार होते हैं, तो उन्होंने एक रॉड लगा कर दिया था फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन उसको भी इतना मिसयूज किया गया कि वो बेचारे जो है ना वो कहने लगे कि ये रॉड्स के पैसे पूरे करें या कि इनको महफूज करें, और इवेंचुअली बैन हो गए। क्या पूरे मुल्क की सजा मुझे अकेले को मिलेगी? नहीं नहीं, आपकी पूरी एसोसिएशन को मिलेगी, सारे अंदर होंगे। यार हाँ जी, कितने दिता धरना उन्हें? अच्छा जाओ है, जाओ है, मुंडिया ने कोई धरना दिता है बाहर? अच्छा जी। हाँ जाओ फड़ के लिया उन्होंने। अच्छा सर, तो मारना मुरना ना प्यार ना लैन स्टूडेंट ने। अच्छा जी। देखो बीना जी की करा मैं, दसो अब क्या हुआ? इतने कोई बच्चे ने एहतजाज करने धरना दिता है। अच्छा जी, जिब्रान साहब एक बात बताइए,
कोई सियासी शख्सियत के साथ भी ड्यूटी की आपने? हाँ जी की ड्यूटी, मैं बुजदार साहब नाल ड्यूटी की थी। प्रोटोकॉल में? प्रोटोकॉल दे विच। अच्छा। हाँ बुजदार साहब की गड्डी विच होंदी सी। मेरी गड्डी उन्हें तो अगे होंदी सी। बुजदार साहब गड्डी एडी हौली चलाते हैं। अच्छा वो खुद ड्राइव करते थे? खुद ड्राइव करते हैं, डरते हैं। मतलब गड्डी चलाने बुजदार साहब का मूँह शीशे के इतने कोल हों, चीज को इधरों इधरों ना आ जाए, इधरों ना आ जाए। कई बार साहब दफ्तर मिलन गए तो वो खुद डर गए ने कि पता नहीं मैनू गिरफ्तार करना आ गए। आपको शायद पता नहीं कि आपने हम पे हाथ डाल के कितनी बड़ी मुश्किल मोल ली है। नहीं बेटा मैं हाथ डाले ही नहीं, मैं इन्होंने कहा कि इज्जत और इत्राम ना लेके आओ। सूर क्या है जी हमारा, हमने किया क्या है सर? तो मैं की क्या सिखा साहब, हर तुहाडे कहन दे मुताबिक बिल्कुल कोई तंगी नहीं दी, कोई फजूल गल नहीं की। हमने आज तक थाने का मुंह नहीं था देखा। कोई गल नहीं पुत्र, असि तुम थाने का पिछला हिस्सा भी दिखा दें। एस एच ओ साहब आपको पता है कि हम 70% हैं। अच्छा वैसे तो जो तुहाडा कहदे ने तुसीं 2% हो, तशरीफ रखो बैठो तुसीं बेटा। ये कोई स्पॉइल्ड टाइप यूथ लग रही है। वीना जी देखो इन बच्चों नाल हमेशा प्यार और मोहब्बत नाल गल करनी चाहिए। काउंसलिंग ये मुस्तकबल है साडा। क्यों बेटा धरना क्यों दिता? लो बताओ धरना क्यों दिया? धरना क्यों दिया? आप ये पूछते हैं धरना क्यों दिया? जिस मुल्क में महंगाई, बेरोजगारी, भूख, अफलास, जहां इंसाफ की दहलीज पे साइल दम तोड़ दे, वहां धरना दे दे तो क्या करें? गैस नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, इंसान करे तो क्या करे? खाने को 2 वक्त की रोटी नहीं है। और याद रखिएगा ये फरसूदा निजाम आपको बहुत जल्द अपनी लपेट में ले लेगा। अपना बेटा शेर अली मेरे लिए बैठो। एसएचओ साहब ये इस नाराज यूथ के साथ अब क्या करने वाले हैं? ये क्या करेंगे, ये तो खुद इस फरसूदा निजाम का हिस्सा है। वीरा जी हम 2 जगह डिवाइड हो चुके हैं, एक एलीट क्लास है और एक लोअर मिडिल क्लास, जिनमें फासला और बढ़ता जा रहा है, और बढ़ता जा रहा है। इन्होंने वारियां लाइया, जो एक थकता तो दूसरा उठ पैंदा। एक तीसरी क्लास भी है जिसे आप बोल रहे हैं। अच्छा जी मैं इस सड़न दा एसएचओ हां, अल्लाह जानदा इन्हीं लाइना मैं नहीं बोली जिन्हीं इन्होंने बोली। 2 लाइनें लगी हैं, 2 लाइनें, एक आटे की लाइन और एक कॉफी शॉप के बाहर की लाइन। आप जाके देख लीजिए कि आटे की लाइन छोटी और कॉफी शॉप की लाइन लंबी है। पॉइंट देखो वो तो थोड़े तो लग रहे हैं, तू ए आटे की लाइन है, कॉफी शॉप की लाइन है। बात करते हैं कानून की पासदारी की। वो तीसरी लाइन क्या है पता है? याद नहीं की थी। जिन्हें 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती। और धरने से कोई बंदा नहीं सी। और जनाब किन्ने उते बंदे चेक करने से कोई थत्था बंदा लाया होंगे? जो तो मेरा तो दिमाग खा गए। हाँ ये मेरा सौंप है, ये रिश्वत नहीं लेते। उस वक्त ये भर्ती हुए थे जब इनके पास मेहरान गाड़ी थी, और आज भी इनके पास मेहरान गाड़ी है। क्या नहीं मैंने किया, सारे घर के काम करता हूँ, घर जाता हूँ, बर्तन धोता हूँ, टाकियां मरवाता हूँ, वेपर मारता हूँ, और क्या करूँ? अरे आप चुप करके खड़े हो जाए, वो यंगस्टर्स को बोलने देना, उनको दिल की भड़ास निकालने दे। और क्या शिकवा है आपको? और तीसरी लाइन है मेरी, जेड़ा के मैं सवेरे 20 बारी गड्डी ताल ताके थाने तक पहुंचना। ए मैनू बता, अगे लीटर च मैं इन्ना सफर करता सी, हुण लीटर दे विच मैनू कई बारी गड्डी लटाउणी पैंदी आ। किन्नो खाना मेरे को खादा नहीं जांदा। इन्नू चुप करा दिओ, इन्ने सानू हरा देना है। इन्ने बहुत माठियां लैणा बोलियां ने। कानून की पासदारी की बात करते हैं आप लोग। अच्छा मेरी गल सुनो, एक कुर्सी चुक दिओ। ना होएगी ना एटम करनगे। 90 दिन में इलेक्शन करने का कहा था आप लोगों ने, वो तो हुए नहीं। और मैं इलेक्शन कमीशन हूं, इंसान तो है कम से कम अपने हक की खातिर बोल तो सकते हैं। मैं तो अपने हक की खातिर बोलता रहता हूँ, तुम्हें क्या बताऊं? एहतजाज मैंने किया अपनी बेगम के सामने, तुम सोच नहीं सकते। आप भी इनकलाबी हैं। आप क्या समझती हैं, आप क्या जानती हैं, ये वो माशरा है। नहीं दे बचे मैंने पूरा तो पैसे चुहा। मस्तियां में वक्त हुआ एक ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक टू मस्तियां वंस अगेन एवरीबॉडी। और रुबीना खबर बताएं कि क्या है आज हमारे पास? खबर है कि जेब काटने वाले को पहलवान की जेब काटनी महंगी पड़ गई, गर्दन से पकड़कर पुलिस स्टेशन ले आया। पहलवान दी जेब कटी? ऐसे आता है ऊंट पहाड़ के नीचे। कटने से पहले ही पकड़ा गया होगा। उन्हें तो गोट तो फड़ के पहले तो भी पटका मारे होना, फिर पटके तो पटका मारे। कीप गेसिंग प्लीज। मैं अभी वही कह रहे हैं ना जी, पहलवान थाने ले जाने की जरूरत की थी, उन्हें आप ही कूट लेना सी बेबा। नहीं नहीं ये वाकया पाकिस्तान का नहीं होगा, नहीं तो पहलवान कूट लेता इधर। लंदन का वाकया है, वॉलेट लिफ्टर जो है वो पहलवान के हाथे चढ़ गया, गलती से उसने पहलवान की जेब काट ली, पहलवान ने उसको हजूम में से गर्दन से दबोचा और मारता हुआ पुलिस स्टेशन ले गया और पुलिस के हवाले कर दिया।
वो पहलवान के पीछे होगा काफी देर से। हाँ एक्चुअली पहलवान बैंक गया था, वहां से उसने कुछ पैसे लिए और पहलवान ने ये बताया पुलिस स्टेशन जाके कि बैंक से मुझे फॉलो कर रहा था, फिर इसने मुझे धक्का देके गिराने की कोशिश की और वॉलेट चोरी करने की कोशिश की। दिस इज हाउ ही गॉट हिम। अच्छा ये पिक पॉकेटर्स भी ना बड़े कारीगर लोग होते हैं। मैं तुम दस ना मलक साहब अंदर की बकुए होए ने ओए अनकला 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 तेनु कह रहे हैं मुंह इधर कर मुंह इधर कर मेरे हाल कर। अच्छा आप हैं वो पहलवान? साडी हक लाल दी कमाई और साडी मेहनत मजदूर दी कमाई ते ए लै जे ए किवें हो सकदा है? ये तो नहीं हो सकता। क्यों जी? जी बिल्कुल। अपना कयूम साहब। कयूम साहब कौन है? तुसी भाई तुहाडी गल्लां मैं बड़े गौर नाल सुनना है, तुहानू मखौल करदे ने, मैं बड़े गौर नाल तुहाडी गल सुनना है। मेरा नाम अबू बकर है। कयूम यार ओही ओही ना हो गया अबू बकर भलवान होएगा तेरा ना? पहले भी ये वाकया कभी हुआ है आपके साथ? नहीं नहीं साडे ते पिंड ना को खंदा नहीं, अल्लाह माफ करे जति सजी रहे गए। इसकी कमबख्ती आई होगी ना इसने ऐसा किया। अच्छा तो मेरे पीछे टुरिया ना मैं दी पैरां दी तमक तो अंदाजा लाया, मैं कहा बंदा को मेरे पीछे मशूक चढ़िया। मशूक नहीं होता, मशकूक होता। ओए ना को खैर मंगो एहो जिहा मशूक होवे बंदा हत्थी जहर दे दे। ਉਹ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਖਤਰਨਾਕ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਲੈ ਬਈ ਇਹਨੇ ਉਂਗਲਾਂ ਪਾਤੀਆਂ ਨੇ ਜੇਬ 'ਚ ਤੇ ਹੁਣ ਜਾਣੇ ਨਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਹੱਥ ਓਏ ਇੱਥੋਂ ਫਰਿਆ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਉਹੀ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਢੇ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਦੇ। ਪੂਰੀ ਪੀਕਾ ਡਲੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੀ, ਪੀਕਾ ਡਲੀ ਜਾਣਾ, ਪੀਕਾ ਡਲੀ ਸਰਕਸ, ਪੀਕਾ ਡਲੀ ਸਰਕਸ ਪੂਰਾ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਘੁਮਾਇਆ ਕੋਈ। अच्छा ये अकेला था या साथ इसके और भी कोई साथी थे? नहीं नहीं मैं चपेरा ही बहुत कराई है, मैं कहा इन कुटिया जो तो चपेरा मारना जेब तराश लू। तो अगर साथी होंगे तो डर के वो भी भाग गए होंगे? नहीं वो आंदे ने वो आके छिड़ांदे ने के एक मिनट पहलवान छोड़ो जरा ऐप सुन लियो असि थाने छड़ के आने गए। वो चपेरा ही मैं इस कदर मार गया गए ने एदे साथी सुथी नेड़े लगे ही नहीं। लेकिन ये है कि ये जो पिक पॉकेटर्स होते हैं ना इनका वो जो जुसा होता है ना जिसको जिस्म वो इतना पक्का होता है कि जितनी मर्जी मार मारे ये अगले दिन फिर उसी काम पे लगे होते हैं। बड़ी अनफॉर्मेशन है कि कदे सियालकोट तू भी तेरी जेब जमा करदा हुंदा? नहीं नहीं मैं जेब नहीं काटता, वैसे पता है कि इनको जितना मर्जी मारे इनको नहीं लगता। देखो अच्छे साडी बदनामी हुंदी है जिहड़ी गल हैगी है पाकिस्तान दा भी मैं भी पाकिस्तान दा। ओ अच्छा आप पाकिस्तानी हैं दोनों? ठीक है ना दस शक्लों तो निजेरियन लगता है। मैं पाकिस्तान दा और एक पाकिस्तानी इत्थे आके जेबां कटेगा कितनी निमोशली गल है। बे इत्थे आके मेहनत मजदूरी कर और तू इत्थे आके जेबां कट। पाकिस्तान च महंगाई बहुत है जी। मामा मैं साग डार मेरी जेब कटी है। आपकी तो उन्होंने जेब काटी है, वो कौन है जो साथ बैठी है और पीछे दो हजरात कौन है? मैं इनकी वाइफ हूँ। ये भी आपकी पार्टनर है? नहीं नहीं मुझे तो पता ही नहीं था ये चोर है, मुझे तो धोखा दिया इन्होंने। अच्छा तेरी बीवी है? मेरी बीवी है। मैं उदों दा समझ रहा तेरा वड्डा भरा बैठा है। आ तेरी बीवी है? हां मेरी बीवी है। मुंह इधर कर। हां जी होएगा। ये लुकी चक्कर देता है। की चक्कर देता है? की चक्कर देता है? की चक्कर देता है बसोम नु? मैं की चक्कर देना हैगा? आ झूले लेंदी लेंदी आई है। पुलिस वाले भाई साहब आप देख रहे हैं कि वो मार रहा है उसको, जब वो कानून की गिरफ्त में आ चुका है तो फिर वो क्यों मार रहा है? तो उसके इंटरोगेशन हमने की है भाईजान, ये बहुत बड़ा सरगना है ग्रोह का और इसकी बीवी भी इसके साथ मुलव्वस है। ये बीवी को सामने रख के बातों में लगवाता है। अच्छा तो ये जो पिक पॉकेटर है ये अपनी बीवी को लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए इसने रखा हुआ था, तो शी इज पार्ट ऑफ द गैंग राइट? नहीं ये बिल्कुल नहीं, ये तो मासूम है, इसको पता ही नहीं कि इसके साथ हो क्या रहा है, इसको यूज किया है इस शख्स ने। ओ अच्छा उसको पता ही नहीं है मगर शी इज बीइंग यूज्ड। ये अपना शिकार देख के अपनी बेगम को सिर्फ ये कहता था कि इंसानी बुनियादों पर जाकर उससे बात करो। पहलवान इसके साथ बातचीत में मसरूफ हुआ, इतने में इसने अपना काम दिखा दिया। अच्छा मेले तो मोटरसाइकिल लिए ना उते हो जाए सार्जेंट बैठा हूं। मैं दसना जी मैं बंटी, मेरी फूलों की दुकान है। आपका क्या ताल्लुक है इस वाकये से? मैं जनाब ऐनी शाहिद हां, मैं तुम्हें दसा। अच्छा जो बोलता लगता पहला ही पॉइंटर चल रहा है। मैं तुम सारे देख चुके हैं, असल मैनू जनाब पता है की होया है। मेरे को मेरी दुकान ते आया फूलों ही इन्हें हर फूल चेक किया है, मैनू कहता है इन सारे फूलों की खुशबू वक्री वक्री है। आप ये बताएं वाकया कैसे हुआ? मैं जनाब उधर ही आ रहा, फिर मैं इन्हू कहा कि मैं तेनू विखा सकना, हर बूटा वखरा है और उनकी खुशबू वक्री है, उनके रंग वखरे ने। मैं जनाब वादी वादी मैं इनू नर्सरी से लै गया, नर्सरी से सारे पौधे चेक कराए ने। अच्छा चोरी नर्सरी से हुई? नहीं हाल ही नहीं हुई, मैं नर्सरी तेन वापस लेके आया। दो दिन लगनगे। मैं ये सबसे कहूंगा कि जो भी लोग जाते हैं ना हजूम में बाजार में वो कोशिश करें कि अपने जो पैसे हैं ना वो छुपा के रखें। एग्जैक्टली कहा जाता है कि आप जब भी बिजी प्लेसेस में जाएं तो अपने सारे के सारे पैसे आपको एक पॉकेट में नहीं रखने चाहिए, आपको डिवाइड करने चाहिए, मुख्तलिफ पॉकेट्स में रखें। मैं पहलवान बंदा कहा मैं कई बार कोशिश की थी कि मुख्तलिफ जेब में पैसे रखा, फिर
आप ही भूल जाना कितने रखे। पहलवान साहब अपना बताए ना, आप इंग्लैंड पहुंचे कैसे? लक किस्मत, मैं थे कुछ नहीं करना आया गा। अच्छा, इंज करके थॉमस ब्लॉन ना मेरी कुश्ती थी, हथा च हथ पैर हथ पैर मैं बगली डुबिया, बगली डुब के इंज करके मैं चुक घुमा के मारिया। अच्छा, मैं कहना बहुत शोर होगा पै, लोगों ने कहा कि भलवान भलवान ही गया। बस एक तुहाडे वर्गी गोरी सामने बैठी सी, उन्हें कहा यू आर माई हार्ट। ओ, लव एट फर्स्ट साइट हो गया उनको। जो मैं तर्जमा कराया, मैं कहता मतलब की है? उन्हें क्या गोरी कह रही है कि तू मेरा दिल है। She fell for you. मैं कहा एक प्रदेश सानू पहली बारी कुश्ती देख के अपना दिल बना लिया है, हूं गद्दारी जैसी वापस जाइए। तो फिर शादी हो गई आपकी? मैं कहना मेरी वाइफ हैगी, बड़ा प्यार कर दी गई मैनू। लंदन च कोई 7 दिन का मेहमान नहीं है, 1 दिन के मेहमान हो जो भी जाओगे चाबी फड़ानी है, उन्हें कहना लो जी ए घर जे मैं चला जे तेन अगले हफ्ते मिलना ही उन्हें। वाह, सारे मेहनत करते हैं, काम करते हैं। ये जो जुमला है ना, जेब कतरों से होशियार रहे हैं, मुझे लगता है सिर्फ पहलवान जी ने इस पे ध्यान दिया और से सुना है। मीना जी तानू की पता है जड़ा मुश्किलात ना अपने माँ बाप दी, मैं उन्होंने दी दुआओं नाल मैं काम सीखा है। आपके माँ बाप ने आपको ये दुआएं दी हैं? देखो उन्होंने की 18वें ग्रेड का जेब कतरा बनाया दुआओं। अभी ये बताओ कि इतनी इज्जत अफजाई के बाद ये काम छोड़ोगे या यही काम करोगे? मैं जेब तराश सिर्फ इस अपनी बीबी की वजह तो बनेगा। चलो जी, नई डायमेंशन शुरू हो गई है इनकी। ए फरमाइश बहुत कर दी है। अगर वो कहती है कि तू डेली नहाना है एक फरमाइश है। नहीं। अगर वो कहती तू 24 घंटे परफ्यूम ला के रखना है एक फरमाइश है। नहीं। अगर वो कहती तू रोज कपड़े बदलने को फरमाइश है। नहीं। अगर वो कहती जिस भांडे तू खाना खाना जो मैं नहीं खाना है एक फरमाइश। ये तो जिंदा रहने का हक है उसका। अगर वो कहती डेली 20 टाइम मेरे को लानत लाया कोई फरमाइश है। जिम्मे इन्होंने भैन मैनू दी है। अच्छा, ये फ्रॉडी पथॉस बड़ी डालते हैं स्टोरी में। मेरी गल सुनो, सब तो बड़ी गल है मेरे को लुई विटान का बैग मंगती है। वो बेचारे ने लुई विटान का बैग मंगया, इन्हें इन इरफान पठान का बैग देता। वो सारा दिन पैड करके हत्ता विकटा फड़ के लंदन फिरती रही। तो फरमाइशें करती थी तो मेहनत करके पूरी करनी थी ना, चोरियां थोड़ी करनी थी। ये भी तो मेहनत हैगी है। ओए केहो जी मेहनत करना है, किसी मुसाफिर दे पैसे काट लेना है, ओए किसी मजबूर दे पैसे काट लेना है, किसी तनख्वाहदार दी तनख्वाह काट लेना है, ओए तैनू एहसास ही नहीं की हो रहा है मुआशरे च। पेट्रोल किथे चला गया जनाब? तेनू तो मैं कभी दसा दे फुले खांदे नहीं देखा है, तू कौन है? मुझे क्या पता था कि ये चोर है, मेरे तो वॉलेट से लगता पैसे भी ये निकालता था। ओ बीबी उठ गल पे खावे चलाने पैने। ये तो कुछ भी नहीं है, भारत में एक पिक पॉकेटर था, वो क्या करता था कि किसी सस्ती एयरलाइन की टिकट लेता था, टर्मिनल में एंट्री करता था और लाइन में लगे जितने मुसाफिर होते थे ना उनकी जेब काट के पैसे इकट्ठे करके या तो फ्लाइट में बैठ के कहीं चला जाता था चिल करने, या फिर एग्जिट कर लेता था टर्मिनल से और टिकट का रिफंड ले लेता। मतलब कैसे कैसे ट्रिक्स आते हैं इनको। और हमारे यहाँ इसे कहते हैं सोच लगाना। भाई मेरा तो कलेजा उदो ही लिया जो मेरे जेब चेक करके उंगलां पाई ने, तुहाडी भरजाई की आई डी मेरे जेब से। अगर आईडी अगर कढ़ लैंदा जां उहदे 4-5 कार्ड कढ़ लैंदा उहदा तां इतमाद मेरे तों उठ गया सी। उठ गया सी, उहने कहना इहने आप दित्ता किसे। उतों गोरी उहनूं यकीन तो आउंदे कई साल लग जाणे सर। अच्छा अच्छा, फॉरनर है भाभी? फॉरनर लंदन दी है। वाह वाह वाह। इह कदी उहनूं पाकिस्तान लिआए हो? इह आप नहीं लिआउंदे हैगे, इहनूं लोक छेड़दे हैगे। उह आई है लंदन, मेरी बीवी इत्थे आई सी। अच्छा, 3 दिन बाद घरों निकल गई है, 20 महीने बाद है। शालामार बाग लै गए भाभी? फलाना उत्थे भी नहीं लैके जाता है। ओ क्यों? वो फुहारे ना खेलती हैगी। मस्तियां में वक्त हुआ एक ब्रेक का, स्टे विद अस। मस्तियों में एक मरतबा फिर खुश आमदीद, एंड इट्स म्यूजिक टाइम। पहले सादे गाने होंदे सी, आज फिर तिलां वाले गाने आए ने। हां जी, फिर लैस लगन लग पई, फिर चैनल दी लाइटां लगन लग पई। आधा गाना हीरवना परफॉर्म कर दिए सन, बड़ा सोहना, और छोटा छोटा जेस्टर डांस दे देने। मुझे आज पता चला डांस का छोटा जेस्टर भी होता है और बड़ा जेस्टर भी होता है। पहले दौर दी हीरवना तो पहले साह चढ़िया होंदा सी, वे जे मैनू छड़ के तू गया तो फिर गल याद रख ली रे, मैं तेरे पिंडो पैर बार पान तो पहले ही जहर पी के मर जावांगी। जिहड़ी मर्जी हीरवन चुक के वेख लो साह चढ़िया होंदा। पुरानियां जिहड़ियां हीरवना होंदियां सी ना जी, उन्हां दी हल्के हल्के मुछां भी उदों निकली होंदियां सी। पहली हिरवना तो ईमान नाल अद्धे सीन दे विच अद्धा दुपट्टा खा जांदियां सन, ऐ करदियां चंगा भला तगड़ा दरख्त तोड़ दिंदियां सन। और हां, जो पंजाबी गाने खेतों में हुआ करते थे, सुना अक्सर खेतों की परमिशंस नहीं मिला करती थी, तब हमारा खेत ही बर्बाद हो जाएगा। हां जी, दोबारा उते खेत उगदी नहीं सी। और उस वक्त एक मकूला बड़ा मशहूर था कि इस वक्त हमारी नस्ल को हीरोइन तबाह कर रही है और फसल को
हीरोइन तो भाग गई। हाँ उस जमाने में भी बड़ी मीम्स बना करती थी। और हीरोइन जो तो गाना करके आती थी कटे हो कटी लगता थी धमाल करके आ रही। वैसे भी जो ना एक गल एक कल्चर होता सी उदों। Yes. अपने पंजाब दा कल्चर उन्हा फिल्में च वेख्या है। यार देखो रो तो तन्नू को फिल्म च ऊंट नजर आंदा सी ऊंटनी नजर आंदी सी फिर तन्नू टिंडा वाले खूह नजर आंदे सन। टिंडा वाले खूह पता भाजी तुहाडे टिंडा वाले नहीं टिंडा वाले खूह जिहड़े इंज करके थले जांदे ने इंज भर के बाहर आंदे सन पानी वाले उन्हां नू टिंडा वाले खूह कहा जांदा। हाँ जी इन्हां नू जदों गश पैंदा सी एक एक डब्बा पी के फिर घरों निकल जांदे सी। टिंडा वाले खूह हुंदे सन गड्ढे हुंदे सन दो ढगे जुड़े हुंदे सन फिर एक ढगे वाला भी हुंदा सी। आप सही कह रहे हैं कि हमारी फिल्मों में पंजाब के कल्चर की रिप्रेजेंटेशन बड़ी जबरदस्त होती है। हाँ जी अगर आज चढ़ते पंजाब की फिल्म हिटे ना तो उन्होंने अपना कल्चर नहीं छोड़ा। हाँ सही कह रहे हो वो अपना कल्चर विखाते हैं। अगर शादी विखाते तो तुम घर बैठे लगता तुम शादी के मेहमान है। जून जो असं अपना कल्चर छड़िया फिल्म पिछे जाने शुरू हो गई। चढ़ते पंजाब दी जिहड़ियां फिल्मां उहदे विच यही दिखाउंदे ने कि घरां दे विचों मंजे इकट्ठे करने धी भैण का जो विआह है जां मुंडे का विआह है लड्डू निकल रहे ने ताजियां जलेबियां माइए टपे फिल्मों का ना यह रखते हैं बीना जी कि लगे कि पंजाब की फिल्म हैगी मतलब फिल्म का ना है मंजे बिस्तरे। कोई बंद सोच सकता है साढ़े बंद के ये गल के इस तरह ना जिम्मे साढ़िया पहले फिल्म सन मंजी कितने डावा एडे खूबसूरत ना आते जो कम है जो मंजे बिस्तरे हो गया मुकलावा हो गया मुकलावा हर घर की गल है। बिल्कुल जो अपने पिछे जाओगे तुम लगेगा पता कि तुम भी किसी दौर से मंजे बिस्तरे कट्ठे किए हो गए। बिल्कुल मुकलावे का भी तुम पता दका हो गया तो मुकलावा जी साल बाद टोरेंगे। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं शादियों के जो कल्चर्स होते हैं और बाकी भी जितनी सेरेमनीज होती हैं अभी भी आप पंजाब के देहातों में जाके देखें कितना खूबसूरत और फैसिनेटिंग माहौल होता है। शहरों में तो एक मार्की बुक की तीन दिन का फंक्शन एंड एवरीथिंग फिनिशेस ऑफ। ओ मोहब्बतें भी तो उस हिसाब दी ही रह गई ने ना फिर देखो नाले एक पिंड का जवाई हुंदा सी ना वो सारे पिंड वाले नु जवाई कहंदे सी और अमीदा साहब जिस पिंड विआह होया वो नहीं सी कहंदे क्यों ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਛੱਡਤਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਜਵਾਈ ਤੇ ਲਾਣ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਪੱਤਨ ਉਹਦਾ ਗਾਣਾ ਸੀ ਵੇ ਪੈੜੀ ਬੁੱਥੀ ਲੈ ਜਾ ਨਜ਼ਰ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ। ਲੋ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੇਰੀ ਨਾਨੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗਾਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਪੱਤਨ ਦਾ। ਪੱਤਨ ਕਸ਼ਤੀ ਸਟੈਂਡ ਦਰਿਆ ਦਾ ਸਾਹਿਲ। ਓ ਰਿਵਰ ਸਾਈਡ ਰਿਵਰ ਸਾਈਡ ਜਿੱਥੇ ਕਸ਼ਤੀਆਂ ਕੇ ਸਾਹ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਥੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੋਂ। ਉਹ ਮਾਸਟਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੌਸੀਕੀ ਹੈ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਅਸੀਂ ਸੁਣੀ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਸੀਕੀ ਸੁਣੀ। ਹਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਦਾ ਉਹ ਪਤਨ ਚਨਾ ਦੇ ਸੇਲੀਆਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਹੋਣੇ ਆਵੋ ਨਹੀਂ ਆਵੋ ਪਿੰਗਾ ਚੁੱਟਣ ਚੱਲੀਏ ਆਵੋ ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਈਏ ਬਲੀਏ ਆਵੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਐਡਾ ਗੰਦਾ ਮੋਰ ਵੇਖਿਆ ਔਰ ਬਲਕਿ ਗੰਜਾ ਮੋਰ ਵੇਖਿਆ। ਤੋ ਗਾਣੇ ਕਿਧਰ ਚਲੇ ਆਓ ਚਲੀਏ ਕਹਾਂ ਕਹਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਆਪ ਲੋਗ ਗਾਣਾ ਕਿਧਰ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਯਹੀ ਸੁਣਨਾ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਕੀ ਕਰੋ ਆਈਏ ਚਲਤੇ ਹੈ ਗਾਣੇ ਕੀ ਤਰਫ ਬੜ੍ਹਤੇ ਹੈ ਗਾਣੇ ਕੀ ਤਰਫ। और अब हमारे शो का वक्त खत्म होता है। अब से फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।